ओके, अब ये आई होप आपने पढ़ लिया। दो कार्स हैं, एक 10 बजे निकल रही है, एक 11 बजे निकल रही है। दे सेम, दे रीच देयर कॉमन डेस्टिनेशन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। इफ द फर्स्ट कार ट्रेवल्ड फॉर एटलीस्ट 6 आवर्स, कम से कम 6 घंटे तो फर्स्ट ने ट्रेवल किया है, देन द हाइएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द परसेंटेज बाई विच द स्पीड ऑफ द सेकेंड कार कुड एक्सीड दैट ऑफ द फर्स्ट कार। ओके, फर्स्ट कार हैज ट्रेवल्ड फॉर एटलीस्ट 6 आवर्स, 6 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 6 आवर्स तो ट्रेवल करना ही पड़ेगा। अब देखो, ये सेकेंड कार एक कार लेट स्टार्ट की थी, एक कार लेट स्टार्ट किया था और दोनों सेम टाइम पे पहुंचे। इसका मतलब जर्नी टाइम की अगर मैं बात करता हूं, जर्नी टाइम की बात करता हूं, तो टाइम टेकन बाय ए, ए मतलब फर्स्ट कार एंड बी मतलब सेकेंड कार लेट से, वो एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इस रेशियो में है, क्योंकि 1 आवर कम लिया है क्योंकि 11 बजे स्टार्ट किया था। तो स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी जो होगा वो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स के रेशियो में होगा, क्योंकि स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। नाउ व्हाट वी वांट इज द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द परसेंटेज बाय विच द स्पीड ऑफ द सेकेंड कार कुड एक्सीड दैट ऑफ द सेकेंड फर्स्ट कार इज। अब मुझे ये रेशियो जो है एस बी बाय एस ए जो है, एस बी बाय एस ए कितना आएगा, उल्टा लिखना पड़ेगा, ये एस ए बाय एस बी है, वो आएगा एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। अब ये रेशियो मुझे बड़ा से बड़ा चाहिए, बिकॉज आई वॉन्ट द कुड एक्सीड दैट ऑफ द फर्स्ट कार, द हाइएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द परसेंटेज बाय विच द स्पीड ऑफ द सेकेंड कार कुड एक्सीड, मतलब स्पीड बी और स्पीड ए का रेशियो बड़ा से बड़ा लाने की कोशिश करना है मुझे, क्योंकि बी का स्पीड ज्यादा से ज्यादा मेंटेन रखने की कोशिश करनी है। अब ये अगर रेशियो बड़ा से बड़ा रखना है तो एक्स और एक्स माइनस वन में थोड़ा एक रिलेशन समझने की कोशिश करेंगे। एक्स की जगह अगर मैं 3 लिखता हूं तो ये वैल्यू आएगा 3/2, विच इज नथिंग बट 1.5। एक्स की जगह 4 लिखते हैं तो ये आएगा 4/4 - 1 इज 3, विच इज 1.33। 5 लिखेंगे तो ये आएगा 5/5 - 1 इज 4, 1.25। तो आप ये ट्रेंड समझ सकते हैं कि इसमें एक्स की वैल्यू जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूं तो ये आने वाला आंसर छोटा हो रहा है, और मुझे छोटा नहीं रखना, मुझे ये आंसर बड़ा रखना है। तो एक्स की जगह जितनी छोटी वैल्यू होगी उतनी रखना मैं पसंद करूंगा। एंड वॉट इज ए, वॉट इज एक्स, एक्स इज द टाइम टेकन बाय ए, एंड वी नो दैट द फर्स्ट कार ट्रेवल्ड फॉर एटलीस्ट 6 आवर्स, मतलब एक्स की जगह कम से कम 6 तो लिखना ही पड़ेगा आपको, उससे छोटा आप लिख नहीं सकते, और आप एक्स की जगह छोटे से छोटा नंबर लिखना चाहते हैं बिकॉज ऑफ दिस ट्रेंड। तो एक्स की जगह सबसे छोटा पॉसिबल नंबर है 6, तो स्पीड बी बाय स्पीड ए इज 6/5, एक्स की जगह 6 लिखता हूं। इसका मतलब ए की स्पीड अगर 5 है, स्पीड ऑफ ए अगर 5 होती है तो स्पीड ऑफ बी जो है वो 6 है, मतलब बी की स्पीड जो है वो ए से 1/5 ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस जो है वो 1/5 का हो सकता है, 1/5 इज नथिंग बट 20%। तो स्पीड ऑफ बी कैन एक्सीड फ्रॉम ए बाय एट मैक्स 20%, नॉट मोर देन 20%।